रणवीर शौर्य ने की है टास्क में चीटिंग, रणवीर शौर्य ने किया बायस संचालन, तो लव कटारिया ने यहाँ पे रणवीर शौर्य को जम के धोया। जी हाँ दोस्तों, रणवीर शौर्य बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं दोगला इंसान है, हिपोक्रेट इंसान है। रिसेंट जो टास्क हुआ यहाँ पे रणवीर ने बहुत ज्यादा चीटिंग की। रणवीर की हिपोक्रेसी के एक नहीं 10 पॉइंट मैं आपको गिनवा दूं। रणवीर वो इंसान है जो घर में सबसे ज्यादा तमीज की बात करता है, पर खुद ये बहुत ज्यादा बदतमीज है। रणवीर वो इंसान है जो पहले दिन से लव और विशाल के पीछे पड़ा है कि तुम लोग बदतमीज हो, लेकिन साई के तंदाव ने जब जरूरत से ज्यादा गालियां दी और धक्के मारे तब रणवीर के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो टास्क हुआ डिबेट टास्क, यहाँ पे भी रणवीर जो है वो एज अ बायस्ड संचालक रहा। सबसे पहले यहाँ पे रणवीर ने लव कटारिया को कंट्रोल करने की, रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की गई। यहाँ पे लव और शिवानी को आपस में बात तक नहीं करने दी। अगर आपने टास्क को बारीकी से ऑब्जर्व किया हो, पहले रणवीर काफी ज्यादा लव पे भड़कते नजर आए। रणवीर ने यहाँ पे संचालक होने की पावर का गलत यूज किया। यहाँ पे विशाल की टीम को 2 से 3 बार धमकी भी दी गई, अगर यहाँ पे लव जो वो चुप नहीं हुआ तो तुम्हारा जो राशन है वो डेफिनेटली कटेगा। और रणवीर ने यहाँ पे राशन काटा भी है, राशन का बंटवारा भी अच्छे से नहीं किया। अगर आपने टास्क को ऑब्जर्व किया हो, बारीकी से देखा हो, तो लव कटारिया जो है वो अकेला बंदा पूरी टीम पे भारी था। अरमान मलिक की टीम ने इतने अच्छे इतने लॉजिकल पॉइंट बोले नहीं थे। लव ने जो पॉइंट बोले थे या फिर विशाल और सना ने भी जो पॉइंट बोले थे, उन्होंने उन पॉइंट को एक्यूरेट वे में प्रूव भी किया था। इसके बावजूद यहाँ पे रणवीर ने दूसरी टीम को सब कुछ दिया, घी भी उन्हीं को दिया, वहां पे दूध भी उन्हीं को दिया, कॉफी भी उन्हीं को दी, और इस टीम को सिर्फ इतना राशन दिया कि ये बेसिकली सर्वाइव कर पाए। यहाँ पे लव कटारिया को अपने पॉइंट भी नहीं बोलने दिए, शिवानी को बात भी नहीं करने दी, और टास्क के बावजूद, टास्क के बाद भी यहाँ पे लव कटारिया को धमकाया गया और बोला गया भाई कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं रणवीर जो है वो बहुत ही हिपोक्रेट और यहाँ पे बायस्ड संचालक नजर आए। बता दूं मैं आपको, रणवीर जो प्रेजेंट टाइम में हेड ऑफ द हाउस बने हैं, ये बने शिवानी की वजह से। अगर शिवानी वहां पे एज ए संचालक बायस्ड रही होती तो लव कटारिया घर का कैप्टन बनता, लेकिन शिवानी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेयर थी। और आज रणवीर ने उसी शिवानी को इस टास्क में अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। इससे पता चलता है रणवीर जो है वो बहुत ही ज्यादा बायस्ड और हिपोक्रेट इंसान है। और कहीं ना कहीं जो दूसरों को बोलते हैं कि भाई बी फेयर, रणवीर जो है वो खुद बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ना तो लव को बोलने दिया अच्छे से, ना शिवानी को बोलने दिया, और उसके बाद इस टास्क के क्लियर कट विनर थी लव की टीम, या फिर अब बराबर बराबर राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन यहां पे आपने एक तरफा डिसीजन दिया, अरमान मलिक की टीम को बहुत ज्यादा यहां पे छूट दी गई और एक्स्ट्रा राशन दिया गया। तो यहां से प्रूव होता है रणवीर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिपोक्रेट और दोगला इंसान है। गाइस, ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लग रहा है? रणवीर ने इस टास्क में एज ए संचालक कैसा परफॉर्मेंस दिया? कैसा लगा आपको इस टास्क में लव का परफॉर्मेंस? लव ने जो पॉइंट बोले वो बहुत ही एक्यूरेट थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस OTT Season 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज और मेरे ऐसे रिव्यू वीडियोज को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।